Welcome class 11th. Today we will discuss about the structure and function of mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसमें रेस्पिरेटरी चेन के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के सभी एंजाइम उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर चेम्बर में भरे मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल के एंजाइम और बहुत से सॉल्ट्स और वाटर और डीएनए दैट इज डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर डीएनए और 70S राइबोसोम उपस्थित होता है। उसी के साथ साथ आरएनए भी पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट की तरह ही माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए आरएनए और राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से इन्हें सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनील कहा गया है, क्योंकि इनमें स्वतः जनन की शक्ति होती है, परंतु ये कोशिका के अंदर रहकर ही जनन कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं, बल्कि पावर हाउस ऑफ यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, क्योंकि इनमें एरोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया में का मुख्य भाग घटित होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा एटीपी नामक हाई एनर्जी यौगिक कंपाउंड का निर्माण होता है। यह एनर्जी कोशिका के विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में काम आती है। इस पूर्ण क्रिया में ऑक्सीजन एडीपी अर्थात एडिनोसिन डाइफॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करते हैं तथा एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं। ये पूरी क्रिया तीन संबंधित क्रमों में पूर्ण होती है। पहली क्रेब्स साइकिल, दूसरी रेस्पिरेटरी चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड थर्ड वन इज फॉस्फोराइलेटिंग सिस्टम। क्रेब्स साइकिल में माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में घुलित अवस्था में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम्स जो हैं ये इस एंजाइम्स के द्वारा क्रेब्स साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और जो मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस हैं उनसे इलेक्ट्रॉन्स का निष्कासन यानी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस तंत्र में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके एक चेन में स्थित इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के द्वारा उनका स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर होता है और अंत में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करते हैं। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में होती है। एंड द लास्ट इज फॉस्फोराइलेटिंग सिस्टम। यह श्वसन श्रृंखला से जुड़ा होता है यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़ा होता है और विभिन्न स्थानों पर एटीपी का निर्माण करता है, एटीपी फॉर्म करता है। यह तंत्र F1 पार्टिकल और एटीपी सिंथेटेज एंजाइम का बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए उपस्थित होने के कारण ये सेल्फ रेप्लिकेशन की इकाई है।